नमस्कार, नेशन वन के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया जाना था, लेकिन अभी तक 2 महीने में लगभग 20,000 पेंशनरों से अधिक का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि जिले में 79,800 पेंशनर्स लाभार्थी शामिल हैं। वहीं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि पेंशनरों के सत्यापन के लिए कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं और पात्रों का ऑनलाइन फॉर्म भरा दिया जा रहा है, जिससे गलत लोगों को पेंशन ना दी जाए। देखिए, हमने कैंप लगाए हैं, सिविल लगाए हैं, मल्टीपर्पज कैंप लगा रहे हैं, जहां पर हम सत्यापन भी कर रहे हैं। जो पात्र हैं उनको पेंशन देने की दिशा में हमने मजबूत पहल की है। हमने ऑनलाइन हम फॉर्म जमा कर रहे हैं, आधार से लिंक हमने किया है कि गलत लोगों को पेंशन न मुहैया हो। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड के देहरादून पहुंची भारत सरकार की संसदीय सांसदों की टीम को लेकर कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में सही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, जिसके डर से सरकार ने सांसदों को सरकारी अस्पतालों में नहीं जाने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, वो स्वास्थ्य सेवाओं को कब तक पटरी पर ला सकती है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है भारत सरकार की या विधानसभा की, जो विधायकों की समिति होती है, वो उसका उत्तरदायित्व ज़्यादा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होना चाहिए। अगर वो हेल्थ के लिए वो कमेटी आई थी तो राज्य सरकार का दायित्व था कि वो अपने स्टेट की कैपिटल में अगर घूम रहे थे कमेटी और निरीक्षण करना चाहती थी तो स्टेट के जो सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनका दौरा कराती, ताकि वो राज्य की हेल्थ सेक्टर की समस्याओं को जान पाते। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी, देन आई फाउंड manglik.com। शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। टू रजिस्टर ऑन manglik.com यूज प्रोमो कोड Nation1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के झबरेड़ा में क्रांति दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह की ये डबल इंजन की सरकार अब बिना इंजन की सरकार रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं है, मौजूदा सरकार नीति विहीन सरकार है। इस राज्य को बने हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नीति नहीं बनी है। अनीति से राज्य चल रहा है और इसी का कारण है कि मुख्यमंत्री से एक महिला का विवाद हुआ। अगर नीति होती तो ऐसा नहीं होता। इस राज्य को बने हुए 18 वर्ष हो गए, कोई नीति अब तक नहीं बनी, चाहे वो रोजगार नीति हो, चाहे वो आपके प्लानिंग की हो, वही इसकी क्या कहते हैं कृषि नीति हो, कोई भी नीति हो, इस राज्य के अंदर नीति नहीं, अनीति से राज्य चल रहा है। और इसी का कारण है कि एक मुख्यमंत्री से एक महिला के साथ क्या व्यवहार होता है, ये अनीति का कारण है। नीति होती तो ऐसा व्यवहार नहीं होता, नीति नहीं है। यही हालत आपकी जो है, आज भी खनन खनन कह करके जिस तरह से तमाम गांव के लोगों की रोजी रोटी को खत्म किया जा रहा है। झबरेड़ा से डालचंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ड्रोन कैमरे के जरिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही डूबने वाले श्रद्धालुओं को भी ड्रोन के जरिए रस्सी डालकर बचाने का कार्य किया जाएगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि इस ड्रोन कैमरे को लाउडस्पीकर से तैयार किया जाएगा, जो डूबने वाले श्रद्धालुओं की लोकेशन पर पहुंचकर डूबने के दौरान उनकी शारीरिक गतिविधियों की जानकारी देगा। यह ड्रोन कैमरा हर मौसम में अपना काम करने में सक्षम है और मेले में आए श्रद्धालुओं को पल पल की जानकारी मुहैया करवाएगा। प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये ट्रायल किया जा रहा है। ये काफी हैवी ड्रोन है जो वेट लेकर के उड़ सकता है, और उसमें हम लोगों ने लाइफ सेविंग जो ट्यूब है उसको बांध के उड़ाया था कि जहाँ जरूरत हो हम डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए उसे थ्रो कर सकें और उसकी रस्सी दूसरे किनारे पे दे सकें, जिससे रस्सी से अगर वो आदमी पकड़ लेता है ट्यूब तो हम उसको खींच के निकाल सकें। तो एक ट्रायल था कि ड्रोन से हम कैसे डूबते हुए आदमी को
रेस्क्यू कर सकते हैं, इसका एक ट्रायल था। ये एक हम लोग विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे जिससे कि इंसानों की जान बचाई जा सकती है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि हर साल का कुंभ पिछले बार से भी बेहतर हो और तकनीक से बिल्कुल मतलब और टेक्नोलॉजी से ही वो चीज़ का कुंभ का हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग जब अभी आपने डेमोंस्ट्रेशन देखा था, इससे किसी भी इंसान के कोई भी आपातकालीन स्थिति में क्राउड डिजास्टर हो गया, कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसको संभाला जा सकता है। यही नहीं, दुर्घटना घटने से पहले भी हम लोग उस तरह के मेजरमेंट्स यानी कि कदम उठा सकते हैं जिससे कि कोई भगदड़ ना हो, कोई पानी में हादसा ना हो, कोई किसी के कुंभ में किसी भी तरह का खुशी भरे माहौल में कोई भी दुविधा आने की स्थिति ना हो। इलाहाबाद से एलएन सिंह की रिपोर्ट। और प्राइम टाइम बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।